नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय का लैंडफॉल शाम से शुरू होकर रात तक चलेगा। लैंडफॉल 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से होगा। अभी हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइकर इस काफिले में घुस गए। नीतीश कुमार बचने के लिए खुद सड़क से फुटपाथ की ओर चले गए। लहरिया बाइकर अचानक आ गए और पटना से पहले ही लहरिया बाइकर का आतंक है। बाइक सवार से पूछताछ चल रही है। गुजरात के द्वारका में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। समुद्र में तेज हवा के प्रभाव के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय तूफान का सामना करने के लिए मुंबई ने कमर कस ली है। बीएमसी ने डूबने और अन्य दुर्घटनाओं से मुंबईकरों को बचाने के लिए 26 लाइफ गार्ड्स बढ़ा दिए हैं। इस तरह से 120 सिक्योरिटी गार्ड समुद्री किनारों में तैनात कर दिए गए हैं। दो दिन पहले जूह चौपाटी पर समुद्र में डूबकर 4 युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुरुवार को बिपरजॉय तूफान के कहर बरसने की आशंका के मद्देनजर बीएमसी ने समुद्र किनारों पर और इसके जुड़ी चौपाटी पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अरुणाचल प्रदेश के पंगेन में भूकंप के झटके लगे हैं। सुबह 8:51 पर 4.2 की तीव्रता का भूकंप आया है। पहले स्थानीय समर्थक अमृतपाल सिंह के करीबी अवतार सिंह खांडा की मौत हो गई है। लंदन के अस्पताल में अवतार सिंह खांडा की मौत हुई। उसे जहर पिलाए जाने की आशंका है। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की फिल्म जरा हटके जरा बचके बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हो रही है। सारा अली खान और विकी कौशल की इस फिल्म ने भारत में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक को फटकार लगाई है और इसकी सर्विस बंद करने की चेतावनी दी है। मामला सऊदी अरब की जेल में बंद भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को इस मामले में जांच में सहयोग न करने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस पर फेसबुक से 1 हफ्ते के अंदर मामले की पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम में मंत्री नेमचा किपकेन के आवास को बुधवार को जला दिया गया। उपद्रवी ने मंत्री नेमचा किपकेन के सरकारी आवास को जला दिया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एग्जाम देने जा रही लड़की के साथ चलती ट्रेन में छेड़खानी की घटना सामने आई है। यह हादसा 20 साल की लड़की के साथ महिला डिब्बे में घटित हुआ। यदि आज की टॉप 10 खबरें, ऐसी अन्य खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।